अरे एक तरफ पायल है जो तुम्हारे कहने के बावजूद भी तुम्हारे बाबू के लिए उसने व्रत नहीं रखा, और दूसरी तरफ बिंदिया है जिसने निस्वार्थ भावना से हमारे समय के लिए व्रत रखा है। और बताएगा इसका और समय का तो कोई रिश्ता भी ना है ना? वो सब तो ठीक है बिंदिया, लेकिन मुझे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन लगे थे। ऑप्शन नंबर 1 कि तुम व्रत रखोगी ही नहीं, एंड ऑप्शन नंबर 2 अगर रखोगी तो क्रिश के लिए रखोगी। क्रिश को पता लगेगा कि बिंदिया के गले में है आज भी क्रिश का मंगलसूत्र। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिंदिया है आज भी क्रिश को अपना पति ही मानती है। दिखाती है कि वो सिर्फ बिंदिया है, लेकिन वो बिंदिया शुक्ला है। जब पायल को बात पता लगती है कि आज भी बिंदिया ने मंगलसूत्र डाला हुआ है। लेकिन तुम्हारे इस ऑप्शन नंबर 3 ने तो हम सबको शॉक कर दिया। भाभी, बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अलट पलट चलट करके हमने उनसे संकल्प लिया और उनके बदले हमने व्रत रख लिया, तो इसमें गलत। बड़ी माँ, 2 दिन हुए नहीं, तूने तो रिश्ते भी जोड़ लिए। हाँ, रिश्ते है ना बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं एक पल में, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को रिश्ता के बारे में क्या समझ है? ये अलग बात है कि इस घर में बहुत सारे लोगों को फिकर की कदर कम है। तो पायल को फिर से वही जलन होने लगती है, लेकिन पायल सोचती है कि पहले सैम से भी निपटती हूँ, पता तो करूँ ये सैम है किस किस्म का आदमी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हवन में यहाँ पर क्रिश और बिंदिया हवन के पास खड़े होते हैं, लेकिन हवन कुंड के पास हम देखते हैं कि पायल आती है और बोलती है कि ये तुम्हारी और बिंदिया के सुहाग की निशानी है जिसे मैं यहाँ पर अग्नि में डाल रही हूँ। अब इतने में बिंदिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आज भी क्रिश को अपना पति मानती है और ऐसे अपने सुहाग को जाने नहीं देगी। लेकिन बिंदिया ये दिखाएगी नहीं, क्योंकि वो जो है क्रिश को ये दिखाना नहीं चाहती है कि वो आज भी क्रिश को ही प्यार करती है। दूसरी ओर आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है, किस तरीके से यहाँ पर जो बिंदिया है वो इस बात का ध्यान रखेगी कि क्रिश को पता ना लगे, और पायल कुछ ऐसा करेगी जिससे क्रिश को सब कुछ पता लग जाए और यहाँ पर जो है एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।